इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई के नाम पर तबाही मचा दी। पेट्रोल 24.03 रुपए फी लीटर महंगा, डीजल 59.16 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 233.79 रुपए, डीजल फी लीटर 263 रुपए महंगा। 21 दिन में पेट्रोल 84 रुपए फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत 120 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई। हुकूमत ने आधी रात में डकैती डाली, मनहूस हुकूमत के इकदाम को मुस्तरद करते हैं। आवाम से कहता हूं महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकले, हम बहुत जल्द महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। शौकत तरीन कहते हैं अगर ये रूस से सस्ता तेल खरीदने तो महंगा करने की जरूरत ना पड़े। फरूख हबीब ने आवाम पर महंगाई का खुदकुश हमला करार दे दिया। 10 जून को डमी बजट पेश किया गया, असल बजट IMF से मुज़ाकरात के बाद आएगा। माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन की बोल के प्रोग्राम तज़िया में गुफ्तगू, कहा मईशत बचाने के लिए सियासी कशीदगी कम करना होगी, महंगाई के असर जुलाई में नजर आना शुरू होंगे। मैं अपील करता हूँ मुख्तदर हलकों से कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवाए जाएँ। क्या DGISPR फैसला करेंगे कि साजिश हुई है या नहीं? इमरान खान कहते हैं हकाइक के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। मुरासा मेरे पास आया था तो उसमें लिखा हुआ था कि इमरान खान को हटाओ। वजीर आजम मैं था तो ये हुक्म किसको दिया गया कि इमरान खान को हटाओ? 7 मार्च को मुरासला आता है, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश होती है। साजिश से मुतालिक कुछ हकाइक हैं जिनकी कोई तरदीद नहीं कर सकता। मैंने कोई सियासी बयान नहीं दिया, DGISPR की वजाहत, कहते हैं मैंने तर्जमान पाक फौज की हैसियत से बयान दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास से मुतालिक तफसीली बात की थी, इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ ने अपना मौकफ वाजे कर दिया था। कमेटी में किसी भी सर्विसेज चीफ ने ये नहीं कहा था कि साजिश हुई। साजिश के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं है। तर्जमान पाक फौज सियासी मामलों की तशरीह न करें, सियासी मामलों सियासतदान हल करें तो बेहतर होगा। कौमी सलामती कमेटी ने बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक की, मुरासले में पाकिस्तान को बराह रास्त धमकी दी गई। असद उमर कहते हैं कहा गया अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा, कामयाबी पर सब कुछ माफ कर देंगे। इमरान खान जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को दोबारा खत लिखेंगे। शीरी मजारी कहती हैं साजिश में मुलव्वस अफराद के नाम सामने आने चाहिए। लीगी रहनुमा मोनिस सिलाही खुद ही FIA के दफ्तर पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मेरी गिरफ्तारी का प्लान बनाया गया था, खुद ही पेश हो गया हूं। गिरफ्तार कर सकते हो तो करके दिखाओ, मुकदमात से डरने वाला नहीं, कुछ भी करने इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। हुकूमत ने मोनिस सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा है, 2 करीबी साथी गिरफ्तार भी किए गए, परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश कर दिया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में स्मार्ट गवर्नर राज लगा दिया गया। पंजाब असम्बली के इख्तियार महदूद करने का फैसला, सूबाई असम्बली महकमा कानून के मातहत होगी। असम्बली की तलबी और इख्तिताम का इख्तियार सेक्रेटरी असम्बली की बजाय अब सेक्रेटरी कानून के पास होगा। सूबाई असम्बली रूल्स ऑफ बिजनेस में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की जाएंगी। असम्बली सेक्रेटेरिएट की हैसियत खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस भी जारी होगा। 3 दिन बाद चोर दरवाजे से पंजाब का 32 खरब 26 अरब रुपए का बजट पेश। मकामी हुकूमतों के लिए 5 खरब 28 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा और मजदूर की कम अज कम उजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की तजवीज़। स्टैम्प ड्यूटी की शरह को 1 से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़। मराठ याफ्ता तबके को टैक्स नेट में लाया जाएगा। तरक्याती बजट का 40% सोशल सेक्टर, 24% इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जाएगा। पंजाब में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। इनके पास ऐवान इकबाल में सेशन बुलाने का इख्तियार नहीं, पंजाब असम्बली के अलावा बुलाए गए इजलास की कानूनी हैसियत नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं ऐवान इकबाल की बजाय इजलास प्राइवेट में रख लेते, बजट को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। PTI के रहनुमा महमूद रशीद ने कहा डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास में शिरकत करके खिलाफ वर्जी की, उसे डिसीट कराएंगे। राजा बशारत ने गवर्नर के तमाम इकदाम गैर आइनी करार दे दिए। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।